तो वहीं पहाड़ों पर हुई तबाही के मंजर का असर अंबाला में भी देखने को मिला, जहां टांकरी नदी का पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाके सेक्टर 34 और घसीपुर गांव में घुस गया। इस दौरान इलाके के लोग आधी रात परेशान होते नजर आए और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाए। मैं कर जैसे ही मुझे पता लगा वैसे मैंने सबको कहा। मैं पहले उधर भेषरागर साइड पे मैं टांगरी देख के भी आया तो लोगों ने बताया जी 3-3 फुट उतर गया, पानी उतर रहा है। तो फिर मैं घर चला गया। फिर अभी जब इनका आया, इनका तो आज तक कभी आया नहीं पानी, हमारी तो जिंदगी बीती है। यहाँ कोई ब्रीच है या क्या कुछ पता लगता है? बिना देखे नहीं क्या क्या है, मैंने अधिकारियों को कह दिया। यह टांगरी नदी का पानी आया, 6 बजे का पानी चला है। सरकारी अमले से बात हुई है, वो एसडीएम साहब और अफसरों को हमने फ़ोन किया है, पर किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। और यहाँ के मौके के एमएलए और जो पूर्व मंत्री वो मौके पे आए और उन्होंने हमारे को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हाँ जी, मंत्री जी आए हैं, प्रदीप जो हमारे शर्मा जी हैं जो यहाँ सेक्टर 33-34 का प्रधान है, जो उन्होंने मंत्री जी को फ़ोन किया है, वो आए हैं। उन्होंने हमारे पूरी बात सुनी है, वो पूरा आश्वासन दिया है कि सुबह तक मैं इसको, जो भी इसका दोषी होगा, मैं कार्रवाई करूंगा।